गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेबल साइंस के अंतर्गत रेडिश के बारे में पढ़ना है, जिसे हिंदी में मूली कहा जाता है। इसके बॉटनिकल नेम की बात किया जाए तो इसे रेफनस सटाइवस कहा जाता है, और ब्रेस की फैमिली का है और क्रोमोसोम नंबर 18 है। तो इसके पहले भी जो फैमिली पढ़े थे सेम फीचर था, फैमिली ब्रेस की थी, क्रोमोसोम नंबर 18 था। जहाँ तक मूली की बात करें, ये मूली में जो कड़वाहट आती है जिसके कारण तीखापन होता है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण से ऐसा होता है। मूली का उपयोग जहाँ तक बात है, उसको आप डायरेक्ट खा सकते हैं सलाद के रूप में, मुरब्बा के रूप में, अचार बना करके, पत्तियों का सब जो है सब्जी बना कर, यानी कि साग बना करके, पशुओं को पत्तियों को खिला सकते हैं। जड़ों को सुखा कर भी उसका उपयोग जो है सिरका बनाने में किया जाता है। औषधि गुण इसमें काफ़ी पाए जाते हैं, जिस और ख़ास तौर से जो भूख को बढ़ाना या कब्ज को दूर करना है, डाइजेशन सिस्टम को सही करने में हेल्प करता है रेडिश। ओरिजिन्स की जहाँ तक बात है, तो ओरिजिन जो है पश्चिमी चीन को माना जाता है और साथ में भारत को भी माना जाता है। तो पश्चिमी चीन और भारत को इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है, और भारत में इसकी खेती जो है सबसे अधिक होती है पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम और गुजरात में। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे अधिक खेती की जाती है। सॉयल एंड क्लाइमेट्स की बात किया जाए तो जो सैंडी लोम है, यानी कि रेतीली दोमट भूमि जो है, वो सर्वोत्तम मानी जाती है, अच्छी होती है इसकी खेती के लिए। और जो मौसम की अगर बात करें, जहाँ तक है कि सभी प्रकार के मौसम में इसको उगाया जा सकता है, यानी कि सभी मौसम में होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है वैरायटी जो होती हैं, यूरोपियन और एशियन वैरायटी, दो वैरायटियाँ होती हैं, यूरोपियन अलग होती है और एशियन। तो एशियन वैरायटी जो होती हैं अधिक टेम्परेचर में होती हैं, और यूरोपियन वैरायटी जो होती है लो टेम्परेचर में ग्रो होती हैं। तो ठीक है, यही चीज़ है, यानी कि एशियन वैरायटी जो होगा उसके लिए हाई टेम्परेचर और यूरोपियन वैरायटी जो होगा उसके लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लेकिन ज़्यादातर वैरायटी का ऑन एवरेज देखा जाए तो 10 से 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सोइंग एंड टाइम क्या होगा, प्लांटिंग डिस्टेंस कितना हम रखेंगे। तो मूली का अगर बात करें तो कि पूरे वर्ष ग्रो किया जाता है, बस वो वैरायटी का अंतर होता है। आप एशियन अगर लगा रहे हैं तो अधिक टेम्परेचर जहाँ पर होगा वहाँ पर एशियन लगेगी, और अगर कम टेम्परेचर है, हिली एरिया है या कम टेम्परेचर है, तो यूरोपियन वैरायटी को हम ग्रो करेंगे वहाँ पे। तो पूरे वर्ष इसकी खेती की जाती है, और मैदानी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे इसकी खेती अधिक की जाती है। देखिए, मैदानी क्षेत्र में सितंबर से जनवरी तक, और पहाड़ी क्षेत्रों मार्च से अगस्त तक इसको ग्रो करते हैं। तो हिली एरिया में मार्च से अगस्त तक कर सकते हैं, जो प्लेन एरिया है वहाँ पर सितंबर से लेकर के जनवरी तक करते हैं। अब ये वैरायटी के अनुसार थोड़ा सा वेरी करता है। अब देखिए, वैरायटी के अनुसार किस तरह से वेरी करेगा, जो यूरोपियन वैरायटी होंगी या जिसे कहेंगे टेम्परेट वैरायटी टाइप की वैरायटी जो होंगी, उसको वो तैयार होती हैं 25 से 30 दिन में, और इसकी बुवाई जो की जाती है वो अगस्त के प्रथम सप्ताह में की जाती है। यूरोपियन वैरायटी की बुवाई अगस्त के प्रथम सप्ताह में की जाती है, जबकि एशियन जो होती हैं ट्रॉपिकल टाइप की वैरायटी होती हैं, मतलब हाई थोड़ा अधिक टेम्परेचर में होने वाली। तो मध्य सितंबर में इसकी, मध्य सितंबर से नवंबर के बीच में बुवाई कर दी जाती है, सोविंग टाइम। स्प्रिंग समर क्रॉप जो होगी वो फरवरी में बुवाई की जाती है। ठीक है, अब प्लांट की स्पेस कितना रखेंगे, अगर एशियन वैरायटी है तो 30-10 की दूरी रखेंगे, ठीक है, लाइन टू प्लांट का। और इसी तरह से अगर यूरोपियन है तो उसके लिए 25 से 4 या 25 से 8 कर सकते हैं। तो ये प्लांटिंग डिस्टेंस की बात जहाँ तक है वो हो गया। अगर आपको कमर्शियल रूप से खेती करनी है, मींस इसकी मार्केटिंग भी करनी है, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि फसल को इस तरह से लगाया जाए कि कंटिन्यू आपको उसका मतलब उत्पादन प्रतिदिन मिलता रहे। तो इस बात को ध्यान में रखने के लिए हम जब फसल क्रॉप की अपनी सोइंग करेंगे तो उसमें 8 से 10 दिन का अंतराल रखेंगे। तो 8 से 10 दिन का जब अंतराल रखेंगे तो हमें कंटिन्यू प्रोडक्शन कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, और अर्निंग कुछ ना कुछ होती रहेगी। इम्प्रूव वैरायटी की बात किया जाए तो इम्प्रूव वैरायटी जो होगा वो आपकी ठीक है, एशियन की अगर वैरायटी, जो एशियन वैरायटी हैं या उनमें देखा जाए तो आपकी जौनपुर मूली है, जो कि बहुत पॉपुलर वैरायटी है, लोकल वैरायटी है, पूसा देसी है, पूसा रेशमी है, पूसा हिमानी है, कल्याणपुर नंबर 1, पंजाब सफ़ेद है। यूरोपियन वैरायटी में वाइट आइसकिल है, और स्कॉरलेट स्लोब है, रैपिड रेड है, ये सारी वैरायटी हैं वाइट टाइपेड है। ठीक है, तो ये इम्प्रूव वैरायटी हैं, और इनकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे आपकी जौनपुर मूली है, तो जौनपुर मूली की क्या खासियत है कि ये लगभग 4 से 6 फीट तक हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम जो इसकी वो है लंबाई। इसके अलावा ढाई से, इसका वजन की बात करें तो 2.5 से 3 केजी
होती है। कहाँ पर होती है? जौनपुर का जो गोमती नदी के रिवर वाला रिवर के किनारे, गोमती नदी के रिवर के किनारे जो गांव हैं उन जगहों पे होती है, ठीक है, जौनपुर में। तो ये जौनपुर मूली है और ये मोस्ट पॉपुलर है। दूसरी चीज़ ये लोकल वैरायटी है, लोकल वैरायटी मीन्स इसको डेवलप नहीं किया गया है, नेचुरली वहाँ पे तैयार हुई है। तो ये जौनपुर की लोकल वैरायटी है और इसका एक फीचर्स है और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है जौनपुर की मूली, इसी इन्हीं फीचरों के कारण से सबसे अधिक फेमस है। अब बात करते हैं कुछ अन्य वैरायटी पर, जैसे पूसा देसी है। देखिए पूसा देसी की अगर बात किया जाए तो पूसा देसी जो होगी ये सब ट्रॉपिकल टाइप की है। सब ट्रॉपिकल मीन्स थोड़ा सा जो टेम्परेचर जहाँ पे अधिक होता है वो वहाँ पे ग्रो किया जाता है और सूटेबल जो होता है वो आप अगर इसकी बुवाई कब करना है, बुवाई के लिए बात करें तो अगस्त से अक्टूबर के माह में अगर आप बुवाई करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसकी जो फल की बात किया जाए तो वो प्योर वाइट होता है और 35 से 35 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और टैपरिंग इंड होती है। टैपरिंग इंड मतलब नैरो टाइप की होती है। नैरो टाइप का मतलब ये हो गया कि ऊपर जैसे ये मान लीजिए ये आपकी मूली है और ये नैरो टाइप की है, यानी कि नैरो मीन्स हो गया संकीर्ण, यानी नीचे तरफ पतला है ऊपर थोड़ा सा चौड़ा है और ऊपर आपकी लीफ निकला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की ये पाई जाती है, तो टैपरिंग होती है, टैपरिंग विथ ग्रीन स्टेम होता है, ठीक है। मैच्योर जो होगी वो 50 से लेकर के 55 दिन में ये मैच्योर हो जाएगी। सूटेबल कहाँ कहाँ पे होगा? ये नॉर्दर्न इंडिया वाले भाग में अच्छा है और अगस्त से अक्टूबर, ठीक है, इसकी बुवाई की जाती है। तो सारे पॉइंट्स को नहीं नोट करना है, जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है बस उनको आप नोट करिएगा। और पूसा चेतकी की अगर बात किया जाए तो वाइडर एडाप्टबिलिटी है, ठीक है। पूसा चेतकी जो है वाइडर एडाप्टबिलिटी है। वाइडर एडाप्टबिलिटी का क्या मतलब है? कि लगभग सभी कंडीशंस में इसको ग्रो किया जा सकता है, सभी प्रकार के मीन्स एडवर्स कंडीशन अगर है, कहीं पर हाई टेम्परेचर है या सूखा अधिक है तो वहाँ पे भी इसको ग्रो किया जाता है। तो हाई टेम्परेचर यहाँ पर लिखा गया ना, टॉलरेट टू हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर है तो इसको टॉलरेट कर जाती है, आराम से ग्रो हो जाता है। इसको भी बुआई अगर करना है तो 15 मार्च से लेकर के 15 अगस्त तक कर सकते हैं नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। और इस वैरायटी की अगर बात किया जाए तो जो रूट होता है, रूट जो होता है वो मीडियम लॉन्ग होता है, प्योर वाइट होता है, सीधा होता है, स्टम्पी होता है और इसमें माइल्डली पंजेंट पाया जाता है, यानी कि जो मिथा वो कड़वाहट जो होती है वो थोड़ा हल्का होता है। मैच्योर जो होती है वो 40 से 45 दिन में मैच्योर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ग्रोन की अगर बात किया जाए कि कहाँ किस कंडीशन में अच्छा होता है, तो समर सीजन के लिए या फिर जो मानसून क्रॉप है तो अप्रैल से सितंबर तक इसको ग्रो किया जाता है। पूसा रश्मि अगली वैरायटी, पूसा रश्मि है। पूसा रश्मि की बात करें तो जो रूट होगा इसका, रूट जो होगा वो 35 से 45 सेमी लॉन्ग होगा और वाइट विथ ग्रीन होगा, तो यानी कि वाइट होगा और साथ में थोड़ा सा ग्रीन जो टॉप वाला पोर्शन होगा जहाँ से लीफ निकलती है वो पोर्शन थोड़ा सा ग्रीन होगा, बाकी पूरा जो फ्रूट्स होगा यानी जो पूरा फ्रूट्स होगा वो वाइट होगा। सूटेबल कहाँ के लिए है? अगर आप अर्ली खेती करना चाह रहे हैं, अकेदी खेती करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छी है, अर्ली शोइंग के लिए अच्छा है। मिड सितंबर से लेकर के नवंबर में आप बुआई कर सकते हैं। इसका टॉलरेट करती है हाई टेम्परेचर से, यानी कि जब आप बुआई करेंगे तैयार होने में उस समय जो टेम्परेचर होता है, सितंबर में अगर बुआई कर रहे हैं या नवंबर में बुआई कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर हाई है तो उसको टॉलरेट कर ले जाती है, यानी सॉलिड यानी कुछ हद तक टॉलरेट करती है स्लाइटली। रूट की अगर बात किया जाए तो जो हार्वेस्टिंग के लिए कितने दिन में तैयार होता है, यानी कि रेडिश जो है हार्वेस्टिंग के लिए 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक है। जापानीज वाइट की अगर बात किया जाए तो जापानीज वाइट जो होता है सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 5 सेमी डायमीटर होता है, मीन्स लंबाई भी अच्छी है और इसकी जो डायमीटर है मीन्स मोटाई भी काफ़ी अच्छी होती है जापानीज की। स्किन जो होगा वो प्योर वाइट होगा, यानी कि ये इसका जो बॉडी होगा वो प्योर वाइट होगा, फ्लैसी क्रिस्पी होगा और सॉलिड एंड माइल्ड फ्लावर्ड होगा। फ्लैसी क्रिस्पी का मतलब हो गया कि थोड़ा सा कुरकुरापन लिए हुए, यानी कि आप तोड़ एक तरह से क्रिस्पी का मतलब यही हो गया कि मीन्स कुरकुरापन एक तरह से, और साथ में क्या है माइल्डली फ्लेवर मीन्स हल्का सा इसमें जो तीखापन होता है थोड़ा सा हल्का होता है जापानीज वाइट में। सूटेबल ग्रो कहाँ पे है? अगर कब कर सकते हैं तो वो अक्टूबर से दिसंबर में कर सकते हैं
और इसकी क्रॉप मेच्योर होने का समय जो है वो 60 से 65 दिन का है, यानी 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। पंजाब सफ़ेद की अगर बात किया जाए तो ये इसकी रूट भी क्या होता है, वाइट टाइप का होता है, स्मूथ होता है, थोड़ी मुलायम होती है। टेस्टी जो होता है माइल्ड टेस्टी होता है, यानी हल्का तीखापन होता है इसमें। फॉर 30 से 40 सेमी का इसका फॉर्किंग होता है। लेंथ जो है 3 से 5 से लेंथ की अगर बात करें तो 30 से 40 सेमी होती है, और डायमीटर जो होगा उसकी थिकनेस जो होगी 3 से 5 सेंटीमीटर का होगा। क्राफ्ट मेच्योर जो होगी वो 50 से 60 दिन में मेच्योर हो जाएगी। तो सितंबर से अक्टूबर में इसकी बुवाई कर सकते हैं। और इडेबल पार्ट जो होगा, यानी कि हम बात करें, ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं कल्याणपुर नंबर वन। देखिए कल्याणपुर नंबर वन की बात किया जाए तो रूट जो होता है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होता है, वाइट होती है, आपको ये याद रखना कि वाइट होता है, और 25 से 3 सेंटीमीटर होता है। और इसी तरह नादौनी की अगर बात किया जाए तो लॉन्ग होती है और ये पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक होता है, और पॉपुलर वेराइटी कहाँ के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए है। अरिका निशांत जो होती है ये मार्बल वाइट कलर की होती है, मार्बल वाइट होती है, और रेसिस्टेंस किसके लिए होती है, पिथिनेस के लिए होती है, प्रीमेच्योर ब्लॉटिंग के लिए रेसिस्टेंस होती है। 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, यानी कि जो लंबाई होगी फल का वो 12 से 15 सेंटीमीटर की होगी। तैयार होने का समय क्या है वो आपका 50 से 55 दिन में हो। तो वाइट क्रिस्पी होता है, सॉलिड होता है, माइल्डली पंजेंट होता है, मींस ये हो गया कि थोड़ा कुरकुरापन होगा, सॉलिड होगा, हल्का तीखापन होगा, ये सारी चीज़ें हैं। स्किन पे क्या होता है, शाइनिंग रेड होता है, यानी कि जो जैसे है क्या कि जो स्किन होगी ये थोड़ा सा पिंक कलर लिए रहेगी, इसकी स्किन जो होगी बाहर से पिंक होगा, जब आप कट करेंगे इसको तो जो अंदर वाला पार्ट होगा वो वाइट होगा, ठीक है, यानी कि आउटर लेयर जो होगा वो पिंक होगा, कलरफुल होगा। अब बात करते हैं टेम्परेट एरिया में कौन सी वैरायटी को हम ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें पूसा हिमानी है। पूसा हिमानी की जहाँ तक बात है नॉर्दर्न प्लेन और में फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, यानी जब एकदम ठंडी शुरू हो जाती है तो दिसंबर से लेकर के फरवरी के बीच में इसकी सोइंग कर देते हैं। 30 से 35 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लंबाई भी इसकी अच्छी है, 30 से 35 सेंटीमीटर होता है, और लेंथ जो है और 10 से 12 सेंटीमीटर, यानी 10 से 12 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा इसका डायमीटर है, यानी काफ़ी इसकी मोटाई जो है वो काफ़ी अधिक होता है। रूट की अगर बात किया जाए तो जो प्योर वाइट होता है, इसका रूट कैसा होता है, प्योर वाइट होता है, ठीक है, विथ ग्रीन स्टेम एंड होता है, यानी कि अंतिम सिरा जो होता है जहाँ से लीफ निकलती है वो थोड़ा सा ग्रीन होता है, बाकी प्योर वाइट होता है, ठीक है। टैपरिंग टाइप होता है, मींस जो मूली होगी वो नैरो होगी, ठीक है। बाकी आपका मेच्योर होने का समय जो है वो आपका 55 दिन है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से लिखिएगा, सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए टेम्परेट टाइप की अगर बात किया जाए तो उसमें पूसा हिमानी है, वाइट आई स्केल है, और रैपिड है। तो पूसा हिमानी के बारे में पढ़ लिया, अब वाइट आई स्केल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए वाइट आई स्केल की जहाँ तक बात है वो मीडियम शॉर्ट यूरोपियन वैरायटी है, तो यूरोपियन वैरायटी है, मींस कम टेम्परेचर में ग्रो होगी, और कम टेम्परेचर में ग्रो होने के साथ साथ तैयार होने में बहुत कम समय लगती है। सबसे खासियत यूरोपियन वैरायटी यही है। अब देखिए 25 से 30 दिन में तैयार हो जा रही है, वहाँ पे 50 से लेकर के 65 दिन तक लग रहा था एवरेज देखा जाए, कुछ वैरायटी 50 में, कुछ 65 में, कुछ 60 में, जो देसी वैरायटी थी, एशियन वैरायटी जो थी। अब यहाँ पे यूरोपियन जो वैरायटी है उसकी खासियत क्या है कि 25 से 30 दिन में बहुत कम समय में, यानी आधे समय में तैयार हो जा रही है। रूट जो है इसका वो भी 12 से 15 सेमी ऑन एवरेज ठीक ही है, और डायमीटर जो है 2 से 3 मीटर का, यानी मोटाई जो होगी उसकी 2 से 3 सेंटीमीटर की होगी। सोइंग टाइम का अगर बात किया जाए तो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक इसकी हम सोइंग कर सकते हैं। दिखने में कैसा होगा, स्किन जो होगा वो वाइट होगा, फ्लैसी होगा, और स्वीट फ्लेवर्ड होगी इसमें, ठीक है, और किचन गार्डन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है वैरायटी। रैपिड रेड या वाइट टिप्ड की अगर बात किया जाए तो एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है, सेम फीचर है, 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, मैच्योर टाइम जो होता है ज़्यादा समय लगता नहीं, स्मूथ होता है, स्मॉल होता है, यानी कि राउंड शेप में होगा, ब्राइट रेड होगा विथ वाइट, यानी कि थोड़ा सा वाइट के साथ में रेडनेस होगा टिप, ठीक है, वाइट टिप पार्ट पर टिप होगा, यानी जो नीचे वाला सिरा होगा वो जैसे जैसे नीचे आएगा वो वाइट रहेगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, रेडनेस होगा। तो इसको सोइंग कब किया जाता है, अक्टूबर से लेकर के फरवरी के माह में। तो ये वैरायटी हो गई जो इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं, उसके फीचर्स हो गए।
सीड रेट की बात किया जाए तो यूरोपियन वैरायटी जो होगी वो 10 से 12 केजी और एशियन वैरायटी जो होगी 8 से 10 केजी सीड रेट प्रति हेक्टेयर लगेगा। मेन फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात है तो आपका FYM 20 टन, नाइट्रोजन 60, फास्फोरस 50 और पोटास भी 50। इरीगेशन जो होगा वो 15 से 20 दिन में, जल जो होते हैं अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद जल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है या सर्वाधिक प्रयोग करते हैं पौधे, और उसके बाद आप समय कुछ कुछ दिन के अंतराल पे यानी कि 4 से 5 दिन के अंतराल पे आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई करते रहिए। अगर ठंडी का मौसम है तो जल की कम आवश्यकता होती है, इसलिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। इसमें इंसेक्ट पेस्ट की जहाँ तक बात है क्या लगता है, चैंपा लगता है, मीन्स एफिड्स का प्रकोप होता है जो पौधे के कोमल भाग होते हैं उस पर बैठ करके उसके रस को या जूस को चूस जाते हैं, तो यह कीट विशेष रूप से फसल को ज़्यादा क्षति पहुँचाते हैं। तो इसको अगर बचाव करना है तो आप यूज क्या करेंगे, मोनोकार्बफॉस को यूज कर सकते हैं 0.05% सोल्यूशन में 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करके। सरसों की आरा फ्लाई लगती है, ठीक है, मक्खी आरा मक्खी है, ठीक है, जिसे साफ फ्लाई कहते हैं। यह छोटे हरे भागों की जो पौधे के जो हरे भाग हैं यानी लीफ वाला पार्ट जो होता है वहाँ पे बैठते हैं, और इसकी जो सूडी होती है यानी कि एंटीनी एक तरह से का रंग जो होता है वो काला होता है, ठीक है, जो इसकी सूडी होती है उसका रंग जो होता है वो काला होता है। और ये करते क्या है, अपनी सूडी से पत्तियों को खाते हैं, यानी मीन्स उस पर पत्तियों को खाएंगे और उसी के पीछे छिपे रहते हैं। तो इसका भी प्रयोग अगर आपको करना है, आप इसका भी छिड़काव कर रहे हैं मोनोकार्बफॉस का, तो आप इससे भी बचाव कर सकते हैं। वाइट रस्ट इसमें लगता है यानी फंगल डिजीज़ है, और एल्बेगो कैंडिडा कॉजल ऑर्गेनिज्म है यानी जो फंगस है उसका नाम एल्बेगो कैंडिडा है, यानी जो पैथोजन बीमारी कॉज कर रहा है वो एल्बेगो कैंडिडा है। और पत्तियों पर सफ़ेद एवं पीले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, तो इसके उपचार के लिए डाइथिन का उपयोग किया जाता है। हार्वेस्टिंग की अगर जहाँ तक बात है तो अगर एशियन वैरायटी जो होगी वो 40 दिन बाद और यूरोपियन वैरायटी जो है 20 दिन बाद, यानी मीन्स आधे का समय का अंतराल है यूरोपियन और एशियन में। यील्ड क्या है, हार्वेस्टिंग की अवस्था के अनुसार 50 से 25, ठीक है, 50 से लेकर के 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको मिल जाएगा यील्ड। ऑन एवरेज 50 क्विंटल से लेकर के 250 क्विंटल तक उत्पादन होता है, लेकिन पूसा हिमानी जो है वो बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी है, ये 390 से लेकर के 470 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। इसी तरह से जापानीज वाइट वैरायटी जो है उसका और भी ज़्यादा उत्पादन है, 525 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है जापानीज वाइट का। तो हो गया रेडिस के बारे में, ठीक है, तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।